हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आई वेलकम टू अ कुंदन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यस, माय नेम इज वैदेही शरण मिश्रा। आई वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल कुंदन स्टडी। क्या हाल चाल है आप सभी के, बताइए जल्दी जल्दी। सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। सभी को जुटो जल्दी जल्दी। तुम लोग कमेंट करो, हम भी कमेंट शो देख रहे हैं। तुम लोग का कैसे हो बताओ, कैसे हो जल्दी जल्दी बताओ। बताओ जल्दी जल्दी कैसे हो, क्या हो गया सर? फोन जो है ना बिगड़ गया। बताओ जल्दी जल्दी कैसे हो तुम लोग, अब क्लियर दिख रहा है ना सब चीज? हाय सर, चलो हेलो, चलो जल्दी जल्दी जुटो। बाबू ट्राईपोड ढीला हो गया है, मोबाइल गिर गया था अभी। चलो थोड़ा पीछे करके ले लेते हैं, क्या गिर जाएगा मोबाइल वो। चलो गुड इवनिंग सोनिया जी, संजीव जी, करण त्रिपाठी जी, सोनू जी, सभी को जुटो धीरे धीरे। चलो मेन टच में नहीं रहता ट्राइपॉड वा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है। गुड इवनिंग दक्ष जी, प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी बता। मैथ्स का क्लास आज होगा, क्या होगा मैथ्स का क्लास? मोबाइल थोड़ा उल्टा रख दिए लगता है। मैथ्स का क्लास होगा आज, करेगा इधर करेंगे तो इधर करेगा। चलो अब ठीक रखा है। क्या होगा? मैथ्स का क्लास होगा और मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे, चलो शांतनु आनंद जी, मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये डेली क्लास तुम्हारा हो रहा है 7 बजे, 7 PM में। तो जल्दी जल्दी तुम लोग, मेरा बस 30 MB ही बचा है। 30 MB बाबू, इतना MB को क्या कर लेते हो सब? बस 2 ठो तो क्लास होता है, दिन भर रहोगे बदमाश। क्वेश्चन लगाएंगे बहुत जल्द जल्द आज हम, और आप लोग समझते जाइएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आप लोग समझते जाइएगा तभी होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझिए, समझे? क्वेश्चन लगाते हैं तुरंत तुरंत, एकदम इरेज करते हैं। मिक्स क्लास एकदम है जी सर। चलो इरेज कर रहे हैं। हाय रवि जी, चलिए। हेलो सोनिया जी, चलो चलो सोनिया जी, रवि नाम नहीं है बेटा मेरा, रवि नहीं नाम है कि रवि जी बोल रहे हैं हमको। मेरा नाम वैदेही मिश्रा है, समझी? चलो बेटा देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही एक रेलगाड़ी। पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझो। 60 किलोमीटर मानो ये रेलगाड़ी है, ये जो तुम्हारा है रवि जी, आपको पता है 1 GB डाटा एयरटेल में मिलता है, कुरकुरे 10 वाला खरीदने पे 1 GB। चलो तुम एक ठो रखोगे, एक ठो रहेगा फर। सुनिए रवि, आपको नहीं फोन होगा, अच्छा ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा है, ये मानो कि खंभा है, ये जो है ये खंभा है, मानो ये क्या है, खंभा है, और यहां से जा रहा है तुम्हारा ट्रेन, इसे बाईपास कर रहा है। तो ट्रेन तुम्हारा जाएगा, ट्रेन जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, पार करेगा, ट्रेन पार करेगा, तो तुम्हारा एक खंभा पार करे या एक आदमी पार करे उतना ही लंबाई रहेगा, लंबाई घटेगा उसका नहीं, समझा? उसका जो लेंथ है वो घटेगा नहीं। वो एगो ट्रेन खंभा पार करे या क्या प्यार करे, आदमी पार करे उतना ही रहेगा, समझो ये बात को तुम लोग समझो। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसको लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? चलो फिर जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रहा है, पार कर रहा है को 30 सेकंड में, कितना देर में टाइम पार कर रहा है, टाइम ट्रेन कितना कर रहा है, 30 सेकंड, 30 सेकेंड। अब तुम्हारा ट्रेन का गाड़ी का लंबाई बताना है,
तो गाड़ी का लंबाई बताना है तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले देखो किलोमीटर आवर में तुम्हारा है चाल दिए हुए है, स्पीड दिए हुए है किलोमीटर आवर में, इसको हम लोग मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तभी ना सेकंड में आएगा जी। चलो तो करो करो 60 किलोमीटर को करो, 60 को करो 5/18 से, कि 18/5 होता है, जल्दी जल्दी बताओ, 5/18 होता है, नहीं जानते हो तो जान लो, करो 5/18 से, तो 8 को काटो 18 को 9 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा 60 कितना बार, 15 बार में, अब फिर 3 से काटो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/25 / 3 किलोमीटर आवर हो न गया जी। देखो मीटर सेकंड होगा, मीटर सेकंड, देखो अब निकालो जल्दी जल्दी निकालो, चलो प्रिया जी मीटर सेकंड हो गया। अब इसको हम लोग गाड़ी का 30 सेकंड है, 30 सेकंड दिए हुए टाइम, इसको 30 से गुना कर दो, 30 सेकंड में पता चल जाएगा ना, 30 से गुना कर दो तो 10 बार में, मतलब 250 मीटर गाड़ी का लंबाई है, कितना यस सर 250 मीटर गाड़ी का लंबाई है, 50/3 कैसे होगा जी, काटो ना, अरे काटे के ना चीज है, किताब रट के मत आओ, पहले भी तुम लोग को बताए हैं कि बुक को रट के मत आओ, हम जानते हैं कि किताब कितना बच्चा रट लिया है और बोल रहा है कितना होगा, कर लो। गुड इवनिंग इंसाफ कुमार जी, काटो ना जी, 60 × 5/18 काटे के ना चीज है, 30 बार में, 9 बार में, फिर 3 बार में, हाँ तो समझा हो गया। चलो तुम लोग फर चेक कीजिए आप, हाँ करते हैं चेक, नौ बार में, 30 बार में, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 बार में, ये हो जाएगा तुम्हारा 3×9 = 10 बार में, हाँ 50/3 होगा बाबू, 50/3 होगा, × 30 कर दो, मतलब कि तुम्हारा 500 होगा, सही बोले सोनू जी, 500 मीटर हो जाएगा, कि ये 5/3, हाँ सही है 500 मीटर हो जाएगा। देखो जितना भी दे ले रहे सेकंड में निकालने के लिए तुम गुना कर दो उसको, मीटर सेकंड में चेंज करते हैं, जितना टाइम देगा उसको इंटू कर देना, उतना आंसर आएगा। चलो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करवाते हैं, तुम लोग बनाना, तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन होगा, चलो इस पे बेस्ट करवाते हैं, प्रिया जी सही है, सोनू जी सही है, हाथ कट गया बच्चा, चलो सही है इंसाफ। तो देखो अब तुम क्वेश्चन को पकड़ो, क्या करो क्वेश्चन को, सर हम बुक रटे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो यूट्यूब पे सिंबल भेज रहा है, क्या हो गया जी, यस चलो, तो तुम्हारा हो जाएगा एक ठो गाड़ी है जिसका चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, चाल है किसका, एक मोटरसाइकिल के, और ई जो है, हाँ बाबू हाँ ठीक है, हाथ कैसे कट गया बाबू, थोड़ा सा चोट लग गया था। तो देखो मोटरसाइकिल जो है उसका है, अब तुम देखो इसका मोटरसाइकिल का देखोगे तो ये एक एक क्या प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कैसे, खंभे कोई भी खंभे को 10 सेकंड में पार करता है, तो खंभे का, तो मोटरसाइकिल का लंबाई ज्ञात करो, क्या मोटरसाइकिल का लंबाई, मोटरसाइकिल का लंबाई तो कितना होगा, मोटरसाइकिल का लंबाई बताओ जल्दी जल्दी एकदम बाबू, अब ठीक है ना, फरहा बाबू ठीक है, आपका तबीयत ठीक है बाबू, सब चीज ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कट गया था, देखो अगर दिख रहा होगा तो। चलो तो देखो 250/3 निकालो, इसको चेंज करो मीटर सेकंड में, काहे कि सेकंड में यहाँ दिए हुए है, तो 30 × 5/18 नहीं कटेगा, 15 कितना हो जाएगा 9, 15/5 और फिर 5 × 3 मतलब 25/3 हो जाएगा, आई इंटू कितना कर दो 10,
10 तो 250/3 कितना उसका लंबाई है 250/3 थोड़ा थोड़ा अच्छे से अच्छा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तो इसको काटोगे तो काट सकते हो 28 24 1 3 3 9 1 3 4 हो जाएगा मीटर समझ गया हाँ लिखने में थोड़ा दर्द कर रहा बाबू समझ गया इसको काट भी सकते हो या पूर्णांक बदल रहे ऑप्शन के डिपेंड काम करना चलो चलो ये इसी से कट गया जो है ना इसी से चलो हम संजीव चलो 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 सेकंड लगाते हैं ट्राइपॉड बदलना पड़ेगा मोबाइल पूरा ही हिला देता है ट्राइपॉड ओ नाइस चलो ट्राइपॉड बाबू ही पूरा एकदम डैमेज हो गया है भाजपा है तो भरोसा तो है ये है ट्राइपॉड रुको एक मिनट लाइव ही में तुम लोग लाइव में ही रहो बच्चा लोग एक मिनट बस हम लाइव को क्लियर एक मिनट कर रहे हैं ट्राइपॉड एकदम स्कैम हो गया ट्राइपॉड के साथ चलो हाँ मोबाइल तो ठीक है ये ट्राइपॉड जो है ना ट्राइपॉडे अथी हो गया ढीला उसका होता है ना जो मोबाइल इसमें फंसाते हैं वही वही ढीला हो गया है तो ये मोबाइल थोड़ा सा गिर जा रहा है और क्या वो कोई दिक्कत नहीं है अथी है ना नीचे आपका है बनाया हुआ गिरने से कोई दिक्कत मोबाइल की फिर टूट जाएगा चलो तो देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 20√3 200√3 वर्ग मीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर ले लीजिए दिवाली फेल है ओ अच्छा एमबी बचा के रखो तो देखो और उसमें से एक भुजा दिए हुए एक भुजा तुम्हारा निकालना है इसका फॉर्मूला लिख दो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर जाएगा 200√3 तो √3 से देखो ये जैसे ही तुम लिख लोगे इतना फिर तुम अपना काम प्लीज रुक जाइए रवि जी एमबी खत्म आप चले जाएंगे तुम मन नहीं लगेगा बाबू यहाँ पढ़ने आते हो मन लगाने नहीं बाबू पढ़ लो दिन भर तो फेसबुक व्हाट्सएप पर करवे करते हो बदमाशी खुल नहीं रहा खुल जा कोरोना वायरस इसी पे डाल देते हैं ऊपर से काबू चलो अंदर इंक रहता है ऊपर से जो होता है ना फूक जाता है ऊपर से डाल दो कोरोना वायरस वीडियो चल रहा है क्योंकि एमबी खत्म हो गया चल रहा है क्योंकि नेट खत्म कल से बचा के रखिएगा हाँ नहीं तो पढ़ाई चला जाएगा ये टाइम में देखो अब इसके बाद एक ऑफलाइन क्लास भी लेना है हमको 8:30 सुलो का क्लास रहता है 9:30 रात तक मेन उसमें फायदा रहता है कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है घर ही पे आते हैं सब घर ही पे करना पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा वो रहता है इसे हमको जाना पड़ता है ऑफलाइन बैच में वो ज़्यादा टेंशन है इसे यहीं है अपना आएगा पढ़ लेगा हमको क्या है उसको आना जाना है हमको क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन में यही फायदा है घर ही में हम भी तुम भी घर में पढ़ लो आराम से कोई दिक्कत नहीं चल चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 200√3 है
तो कर दो, देखो इधर वाला चलाता है नीचे रूट तीन और ऊपर इंटू फोर हो जाएगा, इंटू फोर हो जाएगा, रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया, इधर कितना हो गया 800 हो गया, चलो 800 हो गया। अब देखो बचा लो 800 आ गया, भुजा स्क्वायर आ गया, तो इधर हट गया, भुजा स्क्वायर आ गया 800, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 800, भुजा बराबर क्या हो गया अंडर रूट 800। तो देखो अंडर रूट 800 करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट 800 करते हैं, तो देखो रुको तो एक मिनट, तो हम लोग कर देंगे इसको निकालेंगे तो 200 रूट 2 आ जाएगा, 8 का आता है ना 2 रूट 2, इसका हो जाएगा 200 रूट 2। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बीफ रूट 2 होगा, 200 का रहा है बीफ रूट 2, राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, कोई बात नहीं सही है। चलो चलो सभी का सही है, थर्ड क्वेश्चन अब लगाएंगे, सब समझ रहे हो जी, लगाएंगे अब थर्ड क्वेश्चन, जब तक मार्कर नहीं गिरेगा तब तक लेक्चर कंप्लीट थोड़ी होगा। चलो चलो थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, चलो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए बोल रहे हैं, चलो स्ट्रॉबेरी तुम बोल रहे हो, आम का क्वेश्चन आ रहा है, देखो स्ट्रॉबेरी सबको तुम खिला रहे हो, आम वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखो रुपया 40 में 45 आम बेचने पे, देखो रुपया 40 में कितना आम, 45 आम, 45 आम बेचने पे फल विक्रेता को 20% का लॉस कितना का हो रहा है, 20% का। अब वो 24 रुपया में कितना आम बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा, चलो 24 रुपया में वो कितना बेचेगा कि उसको 20% का क्या होगा प्रॉफिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए। चलो इसमें भी दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत घूम घुमा हुआ है लेकिन एकदम इजी, जिसको बोलते हैं ना ई एस ए वाई। तो चलो माना कि वो 45 आम खरीदा, 45 आम वो क्या किया खरीदा, 45 आम खरीद लिया, समझे। अब देखो 45 आम खरीद लिया तो विक्रय मूल्य 40 रुपये का हानि हो जाएगा, विक्रय मूल्य में 40 रुपये का हानि, मतलब 20% का हानि हो गया, 45 का 20% निकाल लो, तो 45 का अगर हम 20% निकालते हैं, 45 का 20% मतलब 40 रुपये को उसको हानि हो रहा है, तो निकाल लो इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं देखो तो उसको 100 पूरा पड़ा, अब बटे कितना हो गया 80 पड़ गया, क्योंकि 20% को हानि हो रहा है, तो बटा 20% माइनस हो जाएगा 100 का, और कितना 40 रुपया का था इंटू 40 कर दो खत्म, 8 × 5 = 40 मतलब 50 रुपया उसको क्या हुआ 50 रुपया ओकरा का हो गया उसका क्रय मूल्य पकड़ा, क्रय मूल्य निकाल दिए हम लोग, क्रय मूल्य आ गया 50। तो चलो क्रय मूल्य को यहाँ पुट कर देते हैं सब चीज इरेज करके, क्रय मूल्य कितना आ गया 50, सीपी कितना आ गया 50, पचास आ गया सीपी। अब देखो अब इस पे 20% का लाभ, मतलब 20% का लाभ इसमें करना है, 20% का लाभ कह रहा है ना कि 20% लाभ, तो 50 × 100/120 करो लड्डू लड्डू कैंसिल, 25 हो गया तुम्हारा, 120 ऊपर ना होगा जी, 120 जो ऊपर ना होगा क्योंकि लाइफ लाभ का ना है, तो 120 ऊपर करो, चलो कहाँ गया डस्टर, चलो कोई यही रखते हैं कि बगल में, चलो तो 120/100 × अरे हाँ हाँ मिला रहे हैं तुम लोग भी, हाँ हाँ मिलाते हो वैसे मत करो, हम समझा रहे हैं तो समझो, और बटे कितना हो जाएगा बटे गुने 50 दू मतलब 240 240 क्या हो गया 240 हो गया
हो ना गया जी 240, तो इसका 45 आम का निकालते हैं, मतलब 460 आम का मतलब कि 4 हो जाएगा आधू, मतलब कि 24, 24 आम तुम्हारा हो जाएगा टोटल आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, 24 आम। चलो अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। हाँ जी सर, समझ रहे हो ना। चलो ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, इसको जो जो नहीं बनाया गया इसको ऑप्शन हुए चलते नहीं दिए हैं सर, अब तो डर लग रहा है बिहार में एग्जाम भी हुआ कि एग्जाम होगा बाबू, उस वाला की टेंशन नहीं लो, उस बात बाद में बतियाल जाएगा, इतवार आ रहा है ना, इतवार के बतियाएंगे उस बात, अभी नहीं पढ़ लो। चलो तो देखो ऐसे माध्य निकालना है, बहुत इजी ट्रिक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बढ़ते क्रम में लिखते जाओ, मतलब 12 पहले, फिर क्या है, फिर है 13, फिर 14, फिर क्या है 14 के बाद कोई नहीं है, 12 13 14 25 66 76 अब देखो काटो का अंक है, एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक पांच अंक छह अंक है, दो इधर खत्म इसका बटा दो मतलब कर दो 14 + 25 + 14 मतलब 39/2 कर दो मतलब कितना हो गया 19.5 आंसर, 19.5 आंसर इसका। हाँ संडे को बात करेंगे बच्चा, समझा कि नहीं, एग्जाम होगा संजीव कंफर्म, हाँ एग्जाम होवेगा, समझा ना कि दो इधर खत्म कर दी, इसको इरेज भी कर सकते हो, दो इधर खत्म उसका कोई मतलब नहीं, दोनों को जोड़े बटा कर दिए, बटा दो कर दिए 19.5। ये सब देखो माध्य निकालना मुझवानी एकदम है, कुछ मत लिखो, असेंडिंग में सजाओ अपना मन में, बीचे वाला सबको साइड से हटाओ, बीचे वाला दो के जोड़ो बटा दो कर दो, अगर इवन में है तो अब ऑड में है तो बीच ही वाला आंसर, ऑड तो आओ आसान बीच ही वाला आंसर। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आ गया, चक्रीय चतुर्भुज का आ गया आंसर, चलो बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज वाला क्वेश्चन, तैयार हो ना जी, जल्दी से तुम लोग लाइक करो शेयर करो, तैयार हो कि नहीं, चलो बना रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज निकालना है बुतरू, तो देखो चक्रीय चतुर्भुज का दो गो दिले है, टोटल होता है आमने सामने का 180, आमने सामने का कितना होता है 180 डिग्री, होता है ना, क्या बोल रहा है जी, चतुर्भुज का क्वेश्चन चतुर बच्चा बना सकता है। चलो तो देखो आमने सामने होता है 180 डिग्री और दोनों कोण का अनुपात दे ले है 4:5 तो माना अनुपात में एक सम्मिलित है, माना अनुपात में एक सम्मिलित है, कर दो ये पर बना दो, इतना इजी तो है, चतुर बच्चा के का जरूरत है, तो चलो 4x + 5x = 180 डिग्री 9x = 180 डिग्री तो x = 180/9 20 आ गया, x = 20 डिग्री 20 डिग्री अब 9 4x और 5x का वैल्यू निकाल दो, 4×20 निकाल दो 80 और 100 डिग्री आ गया, कुछ 80 और 100 डिग्री अरे इसको तो तुम लोग मुझबानी बना सकता था जी, इसको तुम लोग क्या कर सकता है, मुझबानी बना सकता है, देखो देखो आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री, आप जोड़ दो आप कुछ 180 डिग्री बोल रहा है तो जोड़ो, ऑप्शन है जोड़ो, ऑप्शन बी 160 आ रहा नहीं होगा, ऑप्शन सी 220 आ रहा नहीं होगा, 60-75 जोड़ो 125 नहीं आएगा नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन ए खाली हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा ये हो जाएगा, इतना सोचना ऑप्शन पर डिपेंड काम करो,
ऑप्शन पे डिपेंड काम करो, उतना सोचना नहीं, ऑप्शन डिपेंड है, रिश्ता बनाने का जरूर पहले जोड़ो ऑप्शन में, 180 होगा, कर दो कुछ ही। चलो उतना सोचना नहीं है, आमने सामने का कौन कितना होता है, एक पैरेलल लाइन रहेगा बउआ, तो 180 ना होगा, ये सब तो समझते हो, सब पहला दूसरा में पढ़े वाला क्वेश्चन है, ये सबको कहते हो कि चतुर बच्चा बनाएगा, तो तुम्हारी भूल है, तुम कुंदन स्टडी से पढ़ रहे हो, आ इतना नहीं कर सकते हो, तो सारा सच में बहुत अच्छे हैं यार संजू। हाँ बाबू थैंक यू संजीव जी। चलो अगला क्वेश्चन पर ला रहे हैं आप लोग को, इतना आसान यो क्वेश्चन है, मीटर निकालना है इसका, हाइट निकालना है, क्या दिले है, बेलन दिले है, सिलेंडर दिले है, सिलेंडर का बेलन दिले है और तुम्हारा वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल दिले है, मतलब आपका वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, बना दो जल्दी जल्दी 2πRh पर बना, 2πRh कितना दिले है, 2πRh दिले है तुम्हारा 440 बच्चा 440। अब देखो वैल्यू बस पुट करते जाओ, ठीक ना, चलो 2 का 2, पाई का कुछ नहीं दे ले है तो मतलब 22/7 वैल्यू ले रहा है, ऑप्शन में देखो पाई नहीं छूटल है तो 22/7 वैल्यू ले लो, आर दे ले है, आर भी दे ले है 5 इंटू एच बराबर 440, कटेगा इसमें नहीं कटेगा, अब इन्हें जो है ऊपर आए तो नीचे हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये कर दो 440 और 7 नीचे हो जाएगा, ये नीचे है ऊपर चल जाएगा, मतलब 440 और 7 एक 7, अब बाकी बटा क्या कर दो, बटा 2 × 22 × 5 अब काटो, अब तो काटे की चीज है, 20 बार में 10 बार में 2 बार में 7 × 14 आ गया 14। बहुत क्वेश्चन, अभी हड़बड़ाओ मत, 10-5 मिनट आओ पढ़ाई करेंगे, टेंशन मत लो, 14 कितना है मीटर में है ना, 14 मीटर है आंसर, बस वैल्यू पुट करके काट दो, मैथ क्या है वैल्यू पुट करो और काट दो, उतना सोचना नहीं है, 440 7 2 22 5 काटे सब, 14 आ गया, देखो फिर से काटे वाला विधि फिर से सिखा रहा है, 440 था गुने 7 था बटे 2 था 22 था 5 था, देखो 22 बी से 440 कट गया, 2 से काटो 10 कट गया, 5 × 10 7 × 14 आंसर, नीचे कुछ नहीं बचा ऊपर 7 2 बचा था 7 × 14 मतलब काटना जितना जल्दी काटोगे उतना अच्छा, कटम कुट्टी में तेज रहो तभी होगा, चलो इरेज कर रहे हैं बोर्ड को, सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है बाबू, 9th-10th में सीखे थे, 9th-10th है पॉलिटेक्निक ITI, जो बोलता है कि 11th-12th है हम उसका बात को झूठा साबित करेंगे, फिर फेट थ्योरी और लॉगरिथम को छोड़ के बाकी सब 2 चैप्टर छोड़ के फेका क्वेश्चन रहता है, बाकी सब को रख के तुम्हारा 9th और 10th है, 11th कुछ नहीं है, कितना बच्चा हमको कॉल करके बोला है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहता है 12th वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम कहेंगे पगला का है रे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमको 12th का पढ़ने लग देगा, अरे 10th को हाई कर दिया तो तुमको लग रहा है 12th, क्या मोलरता पढ़ना था, मोलरता क्या है CBSE बोर्ड में बच्चा सब पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन 11th में पढ़ना है तो सब सोचता है कि पहला चैप्टर में सोचता है कि नहीं सर हाई लेवल है, हाई लेवल 11th का नहीं, CBSE के बच्चा पढ़ा है, ICSE बोर्ड के बच्चा पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ा, तुम उस टाइम गोली खेलता था तो कैसे होगा बताओ, चलो 7 नंबर क्वेश्चन लगा रहा है, अरे समझे, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन तुम लोग को तो बाबू इसका फॉर्मूला नहीं जानते होगे। चलो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड की जीवा का केंद्र 90 डिग्री है तो कोण पे बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता रहा है, इसका फॉर्मूला याद कर लो यार, देखो बता रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिखे R square bracket मतलब वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का, जी सर हम गोली डंटा खेलते गुल्ली डंटा खेलते थे, चलिए तो ठीक
पाई ठिट्टा और क्या पाई ठिट्टा 360 पाई ठिट्टा 360 डिग्री माइनस हाफ साइन 90 हाफ माइनस साइन 90 इस पे बनाओ, इसी पे क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। देखो क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर पाई ठिट्टा बाय 360 डिग्री हाफ हाफ साइन थर्ड। सबका वैल्यू पुट करते जाओ, सबका वैल्यू पुट करते हो, 490 याद रखना, बस सबका वैल्यू अब पुट करते जाओ। 4 आई तो 4 के स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दो या 4 इंटू 4 कर दो, 4 गुने 4 ज्यादा अच्छा रहता है। ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा 22/7। अब थीटा, थीटा का वैल्यू 90 दिए हुए था क्वेश्चन में, इंटू 90 बटे 360 माइनस हाफ साइन 90 का वैल्यू 1 तो कर दो 1 मेरे बट पढ़ाई का साथ ड्रीम है मेरे बहुत अच्छा। चल 1 हो जाएगा। अब करो जल्दी कैलकुलेशन, 9 6 36 काटम कुटी करो, 9 6 36 हो जाएगा, 4 से 22 नहीं कटेगा, 1 से 4 4 कैंसिल हो ना जाएगा जी। और देखो तुम लोग, और देखो इसको मत काटो भी, 16 को रहने दो, ये तुम्हारा 2 से इसको काटो, 11 को 2 से काटो, 11 को समझा। और तुम करो क्या करो, 7 2 28 नहीं जी, 14 22 14 4 4 कैंसिल हो गया 14 28 तो हो गया माइनस 1 मतलब कि हो गया तुम्हारा कितना टोटल आ गया, टोटल तुम्हारा आ गया 32/7। मतलब कैलकुलेशन तुम लोग कर दोगे जितना फास्ट उतना जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन करने का चीज है, यही फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। फॉर्मूला ठीक से ध्यान देके करोगे तब। आज मैसेज आ रहा है कोई का लगता है व्हाट्सएप, सबसे बेकार चीज है व्हाट्सएप, खूब मैसेज आता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी देंगे, अब बहुत लेट हो गया, कैकुलो का क्लास है 8:30 बजे, 7:34 हुआ है अभी तो टाइम है, 8:30 बजे से क्लास है, कुछ भोजन करेंगे हम भी। तो देखो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 60 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना ईजी है बच्चा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली महत्तम गुने लघुत्तम बटे पहली संख्या, तो 12 गुने 60 बटे 60 है कि 600 बटे 24, 12 दूनी 24 और 2 से काटो 300 बार में हो गया 300। अरे पहले चैप्टर में पढ़ना है 10th का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे पहली अच्छा लघुत्तम गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम बटे पहली संख्या, तो पहले चैप्टर में पढ़ना, इतना इजी क्वेश्चन तो सब बता दिया होगा, ये तो कई बार बनाओगे उतना बार बना सकते हो, ये सब तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलो समझ गया सभी बात को, कुछ कुछ बात आप लोग के स्क्रीन पे रखते हैं। देखो यूट्यूब कुंदन स्टडी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, 2 नंबर है, ये दोनों नंबर को भी आप लोग जुड़ सकते हैं, अल्टरनेटिव नंबर है टेलीग्राम, यहाँ भी लाल कलर से शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, दोनों जुट सकते हैं टेलीग्राम पे। और चैनल को शेयर करो, जितना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि हमको भी कुछ तुम लोग सपोर्ट के माध्यम से कुछ पैसा या कुछ भी करना चाहते हो तो पैसा उफा हम देते नहीं है, खाली चैनल को सब्सक्राइबर करवाओ, ठीक ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।